अस्सलामुअलैकुम, सुबह अल खैर। आज है 18 अक्टूबर 2022 और आज के दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ। और दोस्त मेरा रावलपिंडी से चल चुका है, मैं इस टाइम वाकेंट में हूँ। तकरीबन पैकिंग पूरी है, बस थोड़ा बहुत टिप टॉप होना है। लास्ट प्लेस होगी वादी उनसा। कोई बहुत ज़्यादा फिक्स प्लान नहीं है, लेकिन तकरीबन 5-6 दिन का हमारा ये इंशाल्लाह टूर होगा, तो अभी बस रेडी हो जाते हैं जल्द। फाइनली वो आ गए हैं जिनका था इंतज़ार। ये जुलम ना करो। हाँ, ये DSLR है ना जी। ओ DSLR है सर, हम तो पूरी तैयारी करके आए ना। ओ भाई, क्या तो लेवल हो गया। सो रेडी टू टेक ऑफ। ये हमारे अवैस भाई हैं जिन्होंने अभी न्यू व्लॉगिंग शुरू की है। आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। ये खूबसूरत ग्रीन कलर का बोर्ड आपने याद रखना है, और जब ये बोर्ड नजर आए यहाँ से लेफ्ट और लंबा सा राउंड अबाउट है, और ये आपको घुमा के पहुंचा देगा हसारा एक्सप्रेसवे के ऊपर। मैं जब भी हजारा एक्सप्रेसवे पर आता हूँ तो इंतजार होता है इस टनल का, क्योंकि टनल में ड्राइविंग की चास ही कुछ अलग है। घर से हम चलने के बाद जो पहला पॉइंट इधर अभी रुके हैं ये है किवाई। और यहाँ की जो ख़ास बात है, इधर के छोटे छोटे अबसारें बनी हुई हैं और उसके अंदर बीचों बीच ही रेस्टोरेंट का सारा माहौल है। तो अभी दिखाते हैं वो, और उधर बैठ के चाय शाय सीन करते हैं। दिस सीन इज रियली अमेजिंग यार। ठंडा यख पानी और खाने की तलाश में गोते पे गोता लगा रही है बतखें। आफरीन है वाकई भैया, आफरीन है आप पर। ये यहाँ का लोकल जर्मन शेफर्ड और बड़ा प्यारा है, ऐसे खा लेगा, चक्की तो नहीं मारेगा। नहीं नहीं, ये पहाड़ी इलाकों का प्यारा सा जर्मन शेफर्ड है। अरे जर्मन शेफर्ड मेरे हाथ से भी खा ले बच्चे, खा ले हमारे हाथ से भी खा लो ना जी। ऐसा थैंक यू जी। यहाँ की जो बहुत मज़े की चीज़ है वो ये है कि इन चारपाइयों के ऊपर बंदा बैठ के पानी में पाँव रखे और साथ खाए पिए और मज़े करे। बट ये मिड ऑफ अक्टूबर है और हम इस मौसम में आ गए हैं इस टूर पे, और पानी इतना ठंडा है। यानी हम जून जुलाई में कभी आया करते थे तो उस टाइम ये ठंडा होता है, इसमें ज़्यादा देर पाँव नहीं रखा जाता। और अभी सीन ये है कि अक्टूबर एंड होने को है और अभी तो उसको टच भी नहीं कर सकते। अवैस मीनार साहब हैं जो कि किवाई में एक चारपाई पर बैठे हुए हैं आप शार के नीचे, और ये इन 400 रुपए की जो प्लेट है पकौड़ों की उसे महसूस हो रहे हैं। बात हाईलाइट करने वाली कि 400 रुपए की प्लेट है और पिछले 20 मिनट से खा रहे हैं अभी तक उतने के उतने। वो चीज लजीज होती है वो जल्दी खा ली जाती है, और जो चीज गैर लजीज होती है वो आपने सुना होगा कि जी जी हम कहते हैं ये चीज इतने मजे की दिल कर रहे हैं मुंह में ही रखें। अच्छा, इसको मुंह में ही रखें, ठीक है। इस वजह से जी 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 हम जी, इसको ऐसे ना आराम से लेके खा जी जी मजे ले लेके खाए आप। तो क्या बेसिकली ये पकोड़े नहीं है। अच्छा, इन पकोड़ों के साथ ये सारा व्यू है। ट्रूली स्पीकिंग मैं पकोड़ों का शौकीन नहीं हूँ, पर इस माहौल में पकोड़े खाने का अपने बहुत थोड़े लोग हैं, और व्यू बहुत ही है प्यारा। और मज़े की चीज़ ये होती है कि जितने कम लोग होते हैं उतना ही फिर कचरा गंदगी भी कम होता है। जबरदस्त किस्म की हमने रिफ्रेशमेंट कर लिया, और अभी हमारा नेक्स्ट स्टेशन है नारान। खैर आफियत, हम पहुंच गए नारान, और नारान पहुंचते पहुंचते 8 बज चुके हैं और इस टाइम हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे हैं। ये वो खुशनसीब होटल जहां हम रात को इंशाल्लाह आज पड़ाव डालेंगे, और इसका नाम है रिवर व्यू। क्या ये बनेगा आजकल के बच्चों का, इधर पहुंच के
इतना लंबा सफर की और अभी कह रहे पहले मुझे पासवर्ड बताओ। वाईफाई का पासवर्ड है। इतनी सारी थकावट का वाहिद हल। गुड मॉर्निंग। और ठंड रात को इतनी ज्यादा थी कि कंबलों में जैकेट टोपियां शोपियां लेकर गुजर। सुबह हो गई है यार। सीन्स अमेजिंग। ओहो वो पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। नाइस यार। बर्फ आ रही है टोक्यो में से। बर्फ बिल्कुल सामने खूबसूरत नजारा और जबरदस्त किस्म की धूप की किरणें। चलते हैं रूफ टॉप की चासी अपनी होती है। बर्फ का सीन भी नजर आ रहा होगा आपको और साथ बादल। आह जबरदस्त। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल द रियल गुड मॉर्निंग। नारान ने ऐसी तगड़ी किस्म की एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग की है कि आह मजा ही आ गया। और गला तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा मेरी आवाज़ से कि बैठा हुआ है। अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया, एक दफ़ा नाश्ता हो जाएगा उम्मीद है, उसके बाद गला भी नॉर्मल हो जाएगा। रात को तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और अभी ये जो धूप की किरणें हैं ना इस ठंड के मौसम में सुकून सुकून दे रही हैं। मून रेस्टोरेंट आखिर मिल ही गया और नाश्ता हम करेंगे मून रेस्टोरेंट जो कि मशहूर व मारूफ होटल है वादी नारान का। नाश्ता करने गए थे तो धूप थी, निकले हैं तो इस टाइम बादल और फुल बारिश है। इधर नारान में बारिश स्टार्ट हो गई है तो बाबू सर पे क्या सीन होगा। उफ 2 बजे बाबू सर पर स्नोफॉल का पता चला इसलिए हम शूटर निकल रहे हैं। वहां बहुत जा रही है। आसान अली तरह तेरे उड़ते बाल कैप्चर करें। ओह माय गॉड। पीछे चेक कर बर्फ वाले पहाड़ आ रहे हैं और बर्फानी हवा है, फुल टाइम बर्फानी। हम इस टाइम पे किधर हैं? वी आर इन, हम अभी लुलू सर से पीछे हैं। हमारा मिशन आज की तारीख में हमने बाबू सर को क्रॉस करना है पर नजारे इतने प्यारे आ जाते हैं हम क्या करें, फिर हमें रुकना पड़ जाता है। वाह सुभान अल्लाह। जैसे ही आगे की तरफ मूव कर रही है एक से एक बढ़िया, हर मोड़ के बाद एक नया सीन, एक नया अंदाज, नई खूबसूरती, पहाड़ों का अंदाज, बादल, सुभान अल्लाह। दिस वन में बिहाइंड मी इज आशियाना लेक जिसको हम लोग प्याला झील कहते हैं और बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है। आ जाओ। गुड बाय प्याला झील। प्याला झील हम ज्यादा नहीं रुक सकते क्योंकि हसान भाई बहुत जल्दी में और वो कह रहे हैं कि हमें बस बाबू सर पहुंचाओ। लुलू सर इज हियर और लुलू सर हम देख रहे हैं और ऊपर से बर्फ पड़ रही है। कमाल का मंजर, कमाल की फीलिंग्स, चस आ गई। हम खुश नसीब है कि इस साल की पहली जो नॉर्दर्न एरिया की जो बर्फबारी है वो हमें देखना नसीब हो रही है। वैसे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा ठंडा महसूस कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही सीन के बारे में क्या बोलना चाहिए। इतनी ज्यादा सर्दी। प्याला झील के पास स्टार्ट होने वाली बर्फबारी तो बढ़ती चली जा रही है और आगे बाबू सर पे तो कुछ तूफानी बर्फबारी शायद हो रही होगी। एग्जैक्टली एट बाबू सर टॉप और बाबू सर टॉप की जो सूरत बनी हुई है बहुत हिम्मत चाहिए। जान जोखों का काम केटू पर चढ़ना था, इस टाइम जान जोखा का काम यहाँ बाबू सर एटलीस्ट दरवाजा खोल। समथिंग मैं ट्राई करूँ दरवाजा खोल के निकलने की। फाइनली रियली बर्फ आ रही है इसलिए हम इसको स्किप कर दे। स्किप कर नहीं यार, बाबू सर को स्किप करेंगे नहीं, हम नहीं जान पे खेल जाएंगे लेकिन बाबू सर निकलेंगे बाहर। Thank you.
राइट नाउ एट बाबू सर, ये सीन बना हुआ है लकी वन। बाबू सर की पहली बर्फबारी में हम मौजूद हैं। बाबू सर व्हाट यू कॉल बाबू सर टॉप, ये है वो बाबू सर टॉप। -8 डिग्री के अंदर हम बर्फ अंदर नहीं बने। वहाँ की टोटली फ्रीज हो रहे हैं, गर्मा गर्म चाय बर्फ वाली ट्रे में हमें दिए इन प्यारे से भाई ने। बहुत प्यारे हैं, जैसे बाबू सर टॉप प्यारे हैं वैसे ये प्यारे हैं। वाह, बर्फ बने हुए थे होंठ और उसमें जब ये गर्म गर्म चाय होंठों के साथ टच हुई है सुकून आ गया। रियल वाला चाय का मजा लेने जो असल चाय का होता है तो आ जाए बाबू सर टॉप। लाइव बर्फबारी हम देख चुके हैं, गरम गरम चाय पी चुके हैं, बाबू सर टॉप के बोर्ड के साथ तस्वीरें बना चुके हैं और अब पैसे हो गए हैं पूरे। अब हम निकलेंगे टुवर्ड्स चलास। गुड बाय बाबू सर टॉप, वी आर गोइंग। बाबू सर टॉप वी विल मिस यू। और हसान अली तो बाबू सर टॉप आपको बहुत मिस करेगा।